ईरान के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। हेलीकॉप्टर हादसा था या साजिश, सबसे बड़ा सवाल यही है। ईरान के राष्ट्रपति के चीफ ऑफ स्टाफ ने हेलीकॉप्टर क्रैश के आखिरी वक्त की जानकारी दी है। इसी हादसे में ईरानी राष्ट्रपति ने अपनी जान गंवाई थी, साथ में उनके विदेश मंत्री भी मारे गए। भयानक कोहरे की वजह से कई घंटों बाद क्रैश हुए हेलीकॉप्टर को खोजा जा सका। ऐसे में माना जा रहा है कि हादसे की वजह कोहरा भी हो सकता है, लेकिन सोमवार को गोलम होसेन इस्माइली ने टीवी पर इंटरव्यू में कहा कि राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान मौसम की स्थिति एकदम सही थी। ईरानी राष्ट्रपति के काफिले में 3 हेलीकॉप्टर थे, उनमें से एक में इस्माइली खुद मौजूद थे। अजरबैजान की सीमा के करीब से वो उड़े थे। उन्होंने बताया कि हेलीकॉप्टरों ने दोपहर करीब 1 बजे उड़ान भरी थी, तब मौसम की स्थिति साफ थी। उनका कहना है कि कोहरा जमीन तक ही था, लेकिन जिस ऊंचाई पर वो उड़ रहे थे वहां नहीं था। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान कुछ दूर तक बादल आ गए। राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर का पायलट काफिले का प्रभारी था, उसने दूसरे हेलीकॉप्टरों को बादल से बचने के लिए ऊंचाई बढ़ाने का आदेश दिया। उनका कहना है कि दोनों हेलीकॉप्टरों के बीच में उड़ रहा राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर अचानक हवा में गायब हो गया। उन्होंने आगे बताया, हम बादलों के ऊपर उड़ रहे थे, हमारा हेलीकॉप्टर सबसे पीछे था। लगभग 30 सेकंड बाद हमारे पायलट ने महसूस किया कि राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर गायब हो गया है। हमारे पायलट ने चक्कर लगाने और राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर को खोजने के लिए लौटने का फैसला किया। रेडियो उपकरणों के माध्यम से राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर से संपर्क करने की कोशिश हुई, लेकिन बादलों की वजह से ऊंचाई को कम नहीं किया जा सका। उनके हेलीकॉप्टर ने अपनी उड़ान जारी रखी और पास की तांबे की खदान पर उतारा। उन्होंने आगे कहा, कुछ देर बाद राष्ट्रपति के पायलट के सेलफोन पर फोन किया गया तो किसी ने फोन उठाया। ये नमाज के दौरान इमाम थे। उन्होंने कहा कि उनकी हालत ठीक नहीं है और हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। क्रैश कैसे हुआ इसे लेकर वो कुछ भी नहीं बता सके। उन्होंने सिर्फ वही बताया जो वो देख सकते थे। जैसे उन्होंने कहा कि वो पेड़ों से घिरे हैं। बाकियों के हालात के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वो अकेले हैं और किसी और को नहीं देख सकते। दोबारा उनको जब फोन किया गया तो फिर वही चीजें बताई। इस्माइली ने आगे कहा, जब हमें क्रैश साइट मिली तो शवों की स्थिति देख ये साफ था कि राष्ट्रपति और दूसरे लोग क्रैश के तुरंत बाद ही मर गए थे। वहीं इमाम कई घंटों बाद शहीद हुए। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।